Welcome to PyPoint. This is Nisar Ahmed, your mathematics mentor. Today is our second lecture on quadratic equation. So we will start with the real polynomial function. So what is a polynomial function? So polynomial function is like this. Polynomial function. P of x is equal to a naught x raised power n plus a1 x to the power n minus 1 plus a2 x to the power n minus 2 plus a3 x to the power n minus 3 plus so on to an. Okay, so जो ये हमारी expression है, this is called a polynomial function. Okay, so a0, a1, a2, a3 so on to an, they are just constants. ये जो हमारे पास है a0, a1, a2, a3, ये हमारे पास constants हैं. और अगर हम बात करेंगे x to the power n, x to the power n minus 1, x to the power n minus 2, this is a variable, but this variable, the power of this variable is going on decreasing, okay? And finally, it becomes to 0. When the degree of an, or you can say power of an variable becomes to 0, it becomes what? Then it's obviously a 1, because we know that x raised to power, anything raised to power 0 is equal to 1. Except if 0 raised to power 0, because 0 raised to power 0 is what? That is basically undefined, or you can say that's an indeterminate form. अभी हम बात करेंगे. सो मैंने पिछले लेक्चर में भी कहा था, ये जो हमारे पास है, दिस इज वेंडिंग मशीन फॉर अस. एंड वेंडिंग मशीन, यू नो दैट वेंडिंग मशीन, मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि जो भी हमारे पास, अगर आप एयरपोर्ट्स की बात करते हैं, अगर आप मेट्रो स्टेशन की बात करते हैं, अगर आप फुल फ्लेज्ड जो भी स्टेशन या जो भी हमारे पास रेस्टिंग प्लेसेस होते हैं, ओके, सिटीज में, मेट्रोपॉलिटन सिटीज में, तो वहां पर वेंडिंग मशीन इंस्टॉल की हुई होती है. ओके, तो जो हमारे पास जो वेंडिंग मशीन है, डिफरेंट काइंड ऑफ वेंडिंग मशीन हमारे पास है. हमारे पास चॉकलेट वेंडिंग मशीन आती है, ओके, बेसिक एमिनिटीज वेंडिंग मशीन आती है, टिकट, इवन टिकट वेंडिंग मशीन हमारे पास होती है. तो हम वहां इनपुट देते हैं और आउटपुट में जो हमारे पास आता है, दैट इज कॉल्ड व्हाट, जो इनपुट हम देते हैं, इनपुट एज ए मनी देते हैं, और आउटपुट हमारे पास आता है, आउटपुट एज ए प्रोडक्ट आता है हमारे पास, और यू कैन से आउटपुट हमारे पास टिकट आती है. ओके, सो लाइक वाइज दिस इज अ वेंडिंग मशीन फॉर अस. वी आर गोइंग टू पुट द वैल्यू ऑफ एन हियर. हम एन के वैल्यू यहां से इनपुट करेंगे, हम देखते हैं जो आउटपुट में आएगा वो रिजल्ट क्या होगा हमारे पास. ओके, लेट अस स्टार्ट. यू जस्ट पुट एन इज इक्वल टू वन. ओके, इसकी मैंने डिस्क्रिप्शन दी है आपको. दिस इज अ पॉलीनोमियल फंक्शन. ओके, ए नॉट, ए वन, ए टू, ए थ्री, सो ऑन, ये आर कांस्टेंट्स हमारे पास. ओके, और एन हियर, एन शुड बिलोंग टू व्हाट? एन शुड बिलोंग टू जी पॉजिटिव. दिस मस्ट बी अ पॉजिटिव इंटीजर. ओके, सो एन शुड बिलोंग टू अ पॉजिटिव इंटीजर. ओके, रिमेंबर दिस वंस फॉर ऑल. पुट एन इज इक्वल टू वन. अगर आप एन का वैल्यू वन डालते हैं तो हमारे पास क्या आता है आउटपुट में? पी ऑफ एक्स विल बी लाइक दिस. दिस विल बी ए नॉट एक्स टू द पावर वन. ओके, प्लस ए वन एक्स टू द पावर वन माइनस वन. ओके, अगर आप इससे आगे जाते हैं, ओके, दैट इज नॉट परमिसिबल, बिकॉज इफ यू जस्ट टेक वैल्यू ऑफ वन माइनस वन, इट बिकम्स व्हाट? इट बिकम्स अ नेगेटिव इंटीजर. एंड वी नो दैट, एंड वी हैव रेस्ट्रिक्शंस हियर, दैट इज एन मस्ट बिलोंग टू जेड पॉजिटिव. इट मस्ट बिलोंग पॉजिटिव इंटीजर, सॉरी. ओके, सो अगर आप इसको कंपेयर करते हैं, दैट इज ए नॉट एक्स प्लस ए वन, एंड यू नो दैट वन माइनस वन इज जीरो एंड एक्स टू द पावर जीरो इज वन. ओके, रिमेंबर दिस वन फॉर ऑल, एक्सेप्ट जीरो इज पावर जीरो. ओके, सो पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए नॉट एक्स प्लस ए वन. अगर आप इसको कंपेयर करते हैं, अगर आप ए नॉट को रिप्लेस करते हैं ए से और ए वन को रिप्लेस करते हैं बी से, व्हाट विल गेट? विल गेट पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी. सो दिस इज नथिंग बट दिस इज अ लीनियर पॉलीनोमियल. This is called a linear polynomial in one variable. So why it's a linear polynomial? Because x is here what? X is there. X, the power of x is here what? 1. We have discussed power in the previous chapter, or in the previous lecture we have discussed it. There we have discussed variables, types of variables. We have discussed constants, types of constants. We have discussed power. We have discussed equation. We have discussed identity. We have discussed degree. Okay. We have discussed real polynomial function and complex polynomial functions. Okay. So I am starting with the polynomial function right now. Okay, so जब हमने n का value 1 डाला तो हमारे पास जो output आया, वो output क्या हमारे पास आया? वो आ गया a x plus b, जब हमने n का value 1 डाला. तो इसका मतलब क्या है? जब भी हमारे पास degree 1 होगी तो उस equation और उस polynomial को बोलते हैं हम linear polynomial. And when we just equate it with some constant or with equate with some another term, so we will call this an equation. Okay, at that time. And you know the definition of equation, what is that? So ax plus b जो हमारे पास है, this is called a linear polynomial here. अभी आएगा हमारे पास ये linear polynomial है हमारे पास. इसके बाद अगर मैं n का value
इफ मैं अगर मैं एन का वैल्यू डालता हूं पुट एन इज इक्वल टू टू इन द मैन इक्वेशन व्हाट विल गेट यू विल गेट पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए नॉट एक्स टू ओके प्लस ए वन एक्स टू माइनस वन एक्स टू द पावर टू माइनस वन ओके देन नॉट व्हाट विल गेट प्लस ए वन एक्स टू द पावर टू माइनस टू ओके ए नॉट एक्स टू द पावर क्योंकि एन का वैल्यू अपने वन डाला दिस इज टू माइनस वन देन इट बिकम्स व्हाट टू माइनस टू ओके बियॉन्ड दैट इज नॉट परमिसेबल ओके अकॉर्डिंग टू द गिवन रेस्ट्रिक्शन सो पी ऑफ एक्स जो हमारे पास आएगा दैट विल बी व्हाट दैट विल बी ए नॉट एक्स स्क्वायर प्लस ए वन एक्स प्लस ए वन बिकॉज एक्स टू द पावर टू माइनस टू दैट इज टू माइनस टू इज जीरो एंड एक्स टू द पावर जीरो इज वन ओके रिमेंबर दिस वंस फॉर ऑल सो पी ऑफ एक्स हमारे पास जो आएगा वो आएगा इफ यू जस्ट कंपेयर और इफ यू जस्ट रिप्लेस ए नॉट ए वन ए वन ए टू sorry to say that this is a2 here okay if you just replace a0 a1 a2 by a b and c what you will get you will get ax square plus bx plus c where a0 is equal to a a1 is equal to b and a2 is equal to c okay we have replaced this so we will get what p of x is what is this now this is a quadratic polynomial This is a quadratic. You can say this is a quadratic here. You can say linear polynomial. This is a quadratic polynomial. Okay. If you just compare it with something, it becomes an equation. Okay. So quadratic polynomial, linear polynomial, quadratic polynomial. Okay. These are the two kinds of outputs which we got from the Mann equation by putting the value of n as 1 and 2. Okay. Moving ahead, we will get what. अगर हम यहाँ पर n का value जगाते हैं, n का value क्या डालेंगे? 3. तब हम देखेंगे हमारा जो रिजल्ट है वो क्या आएगा ओके अब आप एक्स का वैल्यू आप एन का वैल्यू पुट एन इज इक्वल टू थ्री व्हाट यू विल गेट पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए नॉट एक्स टू द पावर थ्री प्लस ए वन एक्स टू द पावर थ्री माइनस वन ओके प्लस ए टू एक्स टू द पावर थ्री माइनस टू प्लस ए थ्री एक्स टू द पावर थ्री माइनस थ्री ओके बियॉन्ड इट इट इज नॉट परमिसेबल ओके लाइकवाइज सो आपको क्या आएगा रिजल्ट हमें पी ऑफ एक्स इक्वल ए नॉट एक्स क्यूब प्लस ए वन एक्स स्क्वायर प्लस ए टू एक्स ओके प्लस ए थ्री ओके इफ यू आर जस्ट गोइंग रिप्लेस ए नॉट एज ए वन एज ए बी ए टू एज सी एंड ए थ्री एज डी व्हाट यू विल गेट लाइक दिस पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी दिस इज व्हाट दिस इज ए क्यूबिक पॉलीनोमियल और इफ यू जस्ट इक्वेट विद समथिंग इट विल बिकम ए क्यूबिक इक्वेशन एट दैट टाइम ओके We discuss linear polynomial. We discuss quadratic polynomial. We discuss cubic polynomial. If you just if you are going to put the value of n as 4 here, what you will get? P naught, this will be a naught x to the power 4, okay? A1 x to the power 4 minus 1, a2 x to the power. Then you will get what? Plus a2 x to the power 4 minus 2 plus a3 x to the power 4 minus 3, okay? Plus A 4 x to the power 4 minus 4, okay? I'm just working on this. We just work on this further. What you will get? You will get P of x will be equal to what? That will be equal to A naught x to the power 4 plus A 1 x to the power 3 plus A 2 x to the power 2 plus A 3 x to the power. That is 1 only. Okay, then we have A 4. We're just replacing this A, B, C, D, and E. What you will get? Will we get P of X is equal to A X to the power 4 plus B X cube plus C X square plus D X plus E. Okay? So this is what? This is a biquadratic equation or biquadratic polynomial here it is. Okay? If you just neglected this, this will be a biquadratic polynomial. If you just equate with something, it becomes a biquadratic equation. Okay? So we discussed the four cases. First and second, third and fourth. We discussed the four cases. If you're just going to put the value of n as 1, you will get a linear polynomial. If you just put the value of n is equal to 2, you will get a quadratic polynomial. If you are just going to put the value of n as 3, what you will get? You will get obviously a cubic polynomial. If you're just going to put the value of n is equal to 4 in the Mann equation, you will get the biquadratic polynomial. Okay? Now, the point of discussion or the point of argument today we have, that is the when n is equal to 2, that is called a quadratic polynomial. So we will extend that from quadratic polynomial towards a, or we are going to switch from quadratic polynomial towards a quadratic equation. Okay? So we will discuss that. We will discuss in detail that. Okay? I think this is clear to you people. Okay? Don't show the signs of boredom on your faces. Okay? Be happy. Okay? Everything's gonna be alright.
So obstructions and all things, or you can say the troubles may come and go in our life, okay? So be in a relaxed manner. Be in a satiated manner, okay? So in order to overcome that kind of an effect, in order to overcome that kind of a distress, or in order to overcome that kind of a hurdle or obstruction in the life, okay? So be cool and calm. Be like a water. Be like a water. You just make your own way, okay? Now we'll discuss with quadratic equation, okay? Now what is a quadratic equation? So we got that. What is quadratic equation now? So quadratic equation. Quadratic equation. Let's start with what? We know that the general form of quadratic equation is ax squared plus bx plus c is equal to 0. So this is what we call a quadratic equation. So because an equation whose degree is 1 is called a linear equation. An equation whose degree is 2 is called a quadratic equation. An equation whose degree is 3 is called a cubic equation. An equation whose degree is 4 is called a biquadratic equation. I think it's clear to you people, okay? Now what we have to discuss today, अभी जो हमें पढ़ना है, आज जो हमने जिस पे हमें discuss करना है, that is basically quadratic equation. तो quadratic equation पे हम अच्छे से argument करेंगे, अच्छे से discussion करेंगे, okay? So that is ax square plus bx plus c is equal to 0. This is a quadratic equation. It is obviously an equation because there is equality between the two statements, okay? So this kind of an equation is called a quadratic because its degree is 2. अभी जो हमारा इस पे जो result आएगा, output आएगा, वो क्या है? That is अगर हम इस पे discuss करेंगे, that is its degree will be what? Its degree will be 2 obviously. इसकी जो degree आएगी, वो क्या आएगी? 2. इसका जो root, इसके जो roots आएंगे. Two main important theorems are there in algebra. One is called the fundamental theorem of algebra. That is for every polynomial equation. This is a polynomial equation. P of x is equal to 0. For any polynomial equation, it will have at least one root. कम से कम इसको एक root तो होगा. That root may be real. That root may be imaginary. मगर इसके पास जो है root तो होगा ही होगा. At least तो एक तो होगा. एक से ज़्यादा भी हो सकते. At least कम से कम. In mathematics we denote at least greater or equal to sign. That's called at least. Okay. And less or equal to sign. That's called at most. Okay. So कम से कम ज्यादा से ज्यादा ओके सो इसके पास तो एक रूट होगा ही होगा सो दिस इज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा एंड सेकंड थ्योरम जो हमारे पास है अ पॉलीनोमियल ऑफ एनी डिग्री हैज एनी रूट जिसके जितने डिग्री होंगे उसके उतने रूट्स होंगे ऑब्वियसली सो इसके अगर हम बात करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तो हमें यह पता चला कि अगर हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ऑब्वियसली डिग्री तो 2 है तो इसके रूट्स क्या होंगे फिर 2. Very good. You got the same answer. Okay, 2. तुम्हारे पास इसके जो degree होगी, the quadratic equation की जो degree होगी, वो 2 होगी. इसके जो roots होंगे, obviously that is 2. And roots, you know what is the roots? Roots is a value of the variables which satisfy the given equation. That are called roots. Simple. Now what are roots? Roots are the values of the variables. Values of variables that will satisfy the given equation. That is called its root. Okay? Remember this one is for all. It's not that kind of a hack. Okay? तो हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये तो क्लियर हो गया इसका स्ट्रक्चर तो है वो तो क्लियर हो गया स्ट्रक्चर जो हो गया इसका क्लियर स्ट्रक्चर कैसे क्लियर हो गया इसका जो मेन स्ट्रक्चर है ये है तो इसकी डिग्री जो है और रूट क्या है हमारे पास 2 ओके मूविंग अहेड अगर हम इसकी बात करते हैं वही हमारे पास जो है हमारे पास दो काइंड्स ऑफ देयर आर टू काइंड्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास दो काइंड्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या हम बोलते हैं एक को हम बोलेंगे वन इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद रियल कोएफिशिएंट्स एंड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद कॉम्प्लेक्स कोएफिशिएंट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद रियल कोएफिशिएंट्स एंड सेकंड को हम क्या बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद कॉम्प्लेक्स कोएफिशिएंट्स ओके लेकिन हमारे जो सिलेबस में है दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद रियल कोएफिशिएंट्स जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद कॉम्प्लेक्स कोएफिशिएंट्स हैं और ये आपको पढ़ने हैं टेंथ स्टैंडर्ड में ओके अभी टेंथ स्टैंडर्ड में जो आपको पढ़ना है दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद रियल कोएफिशिएंट्स इफ ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर्स देन दिस काइंड ऑफ एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद रियल कोएफिशिएंट्स रिमेंबर दिस वन इज फॉर ऑल ओके सो अगर हमारे पास ए बी सी बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स देन वी से दैट दिस काइंड ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद कॉम्प्लेक्स कोएफिशिएंट्स बट जो हमारे पास सिलेबस में है दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद रियल कोएफिशिएंट्स सो वी विल डिस्कस दैट सो वी विल फोकस ऑन व्हाट ए बी सी मस्ट बिलोंग टू रियल नंबर्स ओनली एंड वन थिंग मस्ट बी देयर ए
is not equal to zero. If A is equal to zero, then what will happen to this thing? This monster is going to erase or eradicate from the man equation. If this we are going to eradicate from the man equation, it rests there. Bx plus c, that is what? That's a linear equation. So, but we are talking about the quadratic equation, so we have to put the focus on A as well. Okay, remember this once for all. Okay, so quadratic equation हमारे पास समझ में आ गया. What is the quadratic equation now? Quick review हमारे पास, quick recapitulation क्या है? What quadratic equation क्या हमारे पास? Quadratic equation is that kind of an equation whose degree is 2, in which roots are 2 only. Okay, and then we have two kinds of a quadratic equation with real coefficients, quadratic equation with complex coefficients. If a general equation ax square plus bx plus c is equal to 0, we represent this as a quadratic equation. Okay, so in which if a, b, c belongs to real numbers, then the quadratic equation is known as quadratic equation with the real coefficients. If a, b, c belongs to complex numbers, then we at that time we say that that kind of a quadratic equation is known to be as roots of quadratic equation. So roots are basically the set of values of variables, set of values of variables which satisfies the given equation. That is called its roots. जो हमारे पास man equation जो होगी quadratic equation की, अगर हम उस variables, जो भी variables में include होगा, चाहे y का variable में include होगा, जो भी जिस variable में वो होगा, उस variables के values जो होंगे, जो हम man equation को satisfy करते हैं, उस satisfying values जो होंगे, उन वैल्यूज को हम बोलते हैं हम रूट्स उस इक्वेशन के. ओके, अगर हमारे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हम इस तरह सॉल्व करते हैं जिसके वैल्यूज आते हैं एक्स और वाई, एक्स के वैल्यूज दो आते हैं अल्फा और बीटा, ऑब्वियसली बिकॉज अ पॉलीनोमियल ऑफ एम डिग्री हैज एम रूट्स, तो इसके दो रूट्स होंगे. ओके, क्योंकि हमारे पास दो थ्योरम्स हैं. वन इज कॉल्ड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा, दैट इज एवरी पॉलीनोमियल इक्वेशन पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो विल हैव एट लीस्ट वन रूट. इसको कम से कम एक रूट तो होगा, कम से कम एटलीस्ट एक रूट तो होगा, चाहे वो रूट रियल होगा या इमेजिनरी होगा, दैट विल नॉट डिपेंड, मगर एक रूट तो डेफिनेटली होगा. तो हर एक पॉलीनोमियल इक्वेशन को एक रूट कम से कम होता है, तो मिनिमम तो होगा एक रूट, और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, दैट विल डिपेंड अपॉन इट्स डिग्री. जिसकी जितनी डिग्री उसके उतने रूट्स होंगे. ओके, ओके, सो अ पॉलीनोमियल ऑफ एन डिग्री, इफ जब जिसकी डिग्री होगी एन, ओके, उसके जो रूट्स होंगे, अगर हम उसके रूट्स निकालेंगे तो उसके रूट्स भी एन होंगे. ओके, तो इसका मतलब क्या होगा, लीनियर के कितने रूट्स होंगे फिर, वन, तो क्वाड्रेटिक के कितने होंगे, दो रूट्स, क्यूबिक के कितने होंगे, तीन, बाइक्वाड्रेटिक के कितने होंगे, चार, इस तरह मूविंग ऑन. ओके, तो अगर हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करते हैं, इसके दो रूट्स निकलेंगे. अब रूट एक इक्वेशन की, फॉर एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ऑब्वियसली इट्स डिग्री इज टू. ओके, सो दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके हमारे पास रूट्स निकालने हैं. तो रूट्स कैसे निकालेंगे हम, मैंने बताया आपको आपके सिलेबस में जो तीन मेथड्स हैं, तो पहला वाला मेथड बाय यूजिंग बाय स्प्रेडिंग द मिडिल टर्म, वो वाला मेथड निकालते हैं. कैसे निकालोगे आप, इसको लिख सकते हैं हम एक्स स्क्वायर एज इट, सेपरेट द मिडिल टर्म. मिडिल टर्म का मतलब क्या है, जो मिडिल टर्म के अगर हम, हमको हमारे पास जो मिडिल टर्म है उसको हमें सेपरेट इस तरह करना है ताकि अगर हम उसका सम लेंगे, सम ऑफ टर्म्स अगर लेंगे, वो किसके बराबर आएगा, मिडिल टर्म के बराबर. ओके, अगर हम उन दो टर्म्स का प्रोडक्ट लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ टर्म्स, ओके, प्रोडक्ट ऑफ टर्म्स, तो वो किसके बराबर आना चाहिए आपको, एक्सट्रीम टर्म्स के मल्टीप्लीकेशन के बराबर. दैट मीन्स मल्टीप्लीकेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म्स, एक्सट्रीम टर्म्स. ओके, एक्सट्रीम टर्म्स के हमारे पास वन और एक्स स्क्वायर. ओके, तो इसका मतलब क्या है, सम किसके बराबर आना चाहिए हमें यहाँ, टू एक्स के बराबर, प्रोडक्ट किसके बराबर आना चाहिए, एक्सट्रीम टर्म्स के प्रोडक्ट के बराबर. दैट इज एक्स स्क्वायर, तो एक एक्सट्रीम टर्म है, दूसरा वन है, दैट इज एक्स स्क्वायर के बराबर. तो हम इस तरह इसको स्प्लिट कर लेते हैं, इसको लिखेंगे हम एक्स प्लस एक्स, एक्स प्लस एक्स इज बेसिकली टू एक्स. ओके, तो अगर आप वन इज इक्वल टू जीरो, अगर आप एक्स इन दोनों टर्म का सम लेंगे वो तो मिडिल टर्म के बराबर ही आता है ऑब्वियसली, तो अगर आप उसका प्रोडक्ट लोगे तो वो प्रोडक्ट आई थिंक वो एक्सट्रीम टर्म्स के प्रोडक्ट के बराबर आता है. एक्स इंटू एक्स इज वॉट, एक्स स्क्वायर इंटू वन, दैट्स एक्स स्क्वायर. सो इसको हम कहेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस वन, एक्सपेंड करके लिख सकते हैं. इन दोनों में अगर कॉमन देखोगे आप वो एक्स है, तो एक्स स्क्वायर इसको लिख सकते हो आप एक्स प्लस वन. ओके, तो प्लस यहां पर इन दोनों में क्या कॉमन है, वन ऑब्वियसली, तो ये लिखेंगे एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो. ओके, तो इस तरह लिखोगे आप. अब ये जो दो टर्म्स है हमारे पास, एक तो ये टर्म, एक तो ये टर्म, इन दोनों टर्म्स में कॉमन है कोई चीज, हाँ है, कौन सी वाली है, एक्स प्लस वन, इन दोनों में कॉमन है, तो यहाँ क्या बचा एक्स, और यहाँ क्या बचा, तो वन इज इक्वल टू जीरो. तो दो चीजों का जो हमारे पास प्रोडक्ट है वो किसके बराबर आ गया, जीरो के बराबर. हमें अगर हमारे पास कोई पूछता है एक्स और वाई का वैल्यू जो है जीरो आता है, तो आप क्या कंक्लूड कर सकते हो, आप एक चीज आप कंक्लूड कर सकते हो, या तो एक्स का वैल्यू जीरो होगा, या तो वाई का वैल्यू जीरो होगा, या तो दोनों जीरो होंगे, तभी तो इन दोनों का प्रोडक्ट जीरो आता है.
तो ये आप कंक्लूड कर सकते हो। इसका मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट जीरो आता है। इसका मतलब ये हुआ या तो आइदर एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो और एक्स प्लस वन दिस, या तो ये वाला जीरो होगा या तो ये वाला जीरो होगा, ऑब्वियसली सेम टर्म्स है। ओके तो आपको वैल्यू जो आएगा वो एक्स इज इक्वल टू माइनस वन, एक्स इज इक्वल टू माइनस वन। तो यहां पर आपको जो एक्स का वैल्यू आएंगे, एक्स के दो वैल्यूज आ गए आपके पास, कौन कौन से, एक्स माइनस वन यानी कि दो रूट्स होंगे इसके। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे, ऑब्वियसली दो ही होंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो रूट्स होंगे दो ही होंगे, लेकिन वो कौन कौन से होंगे, वो माइनस वन और माइनस वन होंगे, दो बार माइनस वन होंगे। ओके तो ये हमारे पास रूट्स आ गए। अगर आप ये मैन इक्वेशन में डालोगे, तो अगर आप वेरिफिकेशन के लिए आप डालते हो, वेरिफिकेशन के लिए, वेरिफिकेशन अगर आप करते हो, मैंने पूछा था, मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी रूट्स की, जो रूट्स होते हैं वेरिएबल्स के वो वैल्यूज होते हैं जो मैन इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। अब डालो एक मैन इक्वेशन में, दैट इज माइनस वन स्क्वायर ओके प्लस ऑफ टू इंटू माइनस वन, जहां जहां एक्स वन वहां माइनस वन उसका वैल्यू ओके प्लस वन। अब देखते हैं किसका वैल्यू आता है, माइनस वन का स्क्वायर आता है प्लस वन और टू इंटू माइनस वन इज माइनस टू ओके प्लस वन आ गया प्लस वन, दिस इज वन प्लस वन इज टू, माइनस टू इज इक्वल टू व्हाट जीरो। तो ये तो राइट हैंड साइड आ गया, इसने सेटिस्फाई कर दिया। तो दैट मींस जो माइनस वन हमारे पास दो है ये इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रूट्स होगी। ओके ये समझ में आ गया हमें अच्छे से। ओके इसके बाद एक और एग्जाम्पल अगर हम लेंगे, ओके एक और एग्जांपल लेते हैं हम, सेपरेटिंग मेटल टर्म, ये वाले टेक्निक अभी पढ़ते हैं, नेम वाला मेथड पढ़ते हैं। ओके तो एक और एग्जांपल ले लो, आप एग्जांपल ले लो लाइक दिस, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस सिक्स इज इक्वल टू जीरो। ओके टू ले लो आप इधर, ठीक है, तो आपको वैल्यू जो आना चाहिए वो आना चाहिए टू एक्स स्क्वायर है। तो आप इसको किस तरह स्प्रेड करोगे, आप जरा देखो, आप आराम से आप करो, आप वहां से रिप्लाई करो, जैसे कि एक्स स्क्वायर आएगा ठीक है, तो इसको स्प्रेड कैसे करेंगे हम, तो सम आना चाहिए थ्री एक्स के बराबर, दो टर्म्स ऐसे ढूंढो आप इसका सम आएगा थ्री एक्स के बराबर, अगर आप प्रोडक्ट लोगे तो प्रोडक्ट आना चाहिए इन दो टर्म्स के प्रोडक्ट के बराबर, टू इंटू एक्स स्क्वायर इज टू एक्स स्क्वायर, दैट मीन्स टू इंटू एक्स इज टू एक्स स्क्वायर, सो यू कैन हैव टू एक्स और एक्स। अगर आप इसको स्प्रेड करोगे 2x प्लस x वो आएगा आपके 3x, लेकिन आप 2x मल्टीप्लाई करते हैं x के साथ हो जाएगा 2x स्क्वायर। तो हमारे पास ये तो सेटिस्फाई होगी कंडीशन इज इक्वल टू जीरो, तो इसको क्या करेंगे आप, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस एक्स प्लस टू इज इक्वल टू जीरो। अगर आप कॉमन देखोगे तो x ऑब्वियसली कॉमन है, तो x प्लस टू यहाँ आएगा, अगर यहाँ पर कॉमन देखते हो तो प्लस वन ले लो आप कॉमन, तो यहाँ पर x प्लस टू आएगा इज इक्वल टू जीरो। ओके तो इन दोनों में कॉमन है x प्लस टू, तो x प्लस टू आप कॉमन ले लो, तो यहाँ क्या आएगा आपको, यहाँ बचा x और यहाँ बचा वन इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब क्या लिखेंगे हम, आइदर x प्लस टू इज इक्वल टू जीरो और x प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। ओके सो x इज इक्वल टू माइनस टू, x इज इक्वल टू माइनस वन। ओके अगर आप ये हमारे पास आ गए दो रूट्स इस इक्वेशन के, तो इस रूट्स को आप क्या कर सकते हैं, अब आप मैन इक्वेशन में कर सकते हो, तो ये सेटिस्फाई होंगे। ओके वेरिफिकेशन के लिए आप वेरिफिकेशन क्या करोगे, आप पुट x इज इक्वल टू माइनस टू इन मैन इक्वेशन। ओके इन फर्स्ट, अगर आप इसको फर्स्ट लेते हो आप, जरा डालो आप, दैट इज माइनस टू स्क्वायर प्लस थ्री इंटू माइनस टू प्लस टू, तो किसके बराबर आएगा आपको, तो ये आएगा फोर, ये आएगा आपको माइनस सिक्स, तो प्लस टू, तो ये फोर प्लस सिक्स माइनस सिक्स माइनस सिक्स सेटिस्फाई, इस तरह आपको माइनस वन भी सेटिस्फाई करेगा इस इक्वेशन को, दैट इज माइनस वन स्क्वायर दैट इज प्लस वन, यहाँ माइनस थ्री, यहाँ प्लस टू, टू प्लस थ्री प्लस थ्री माइनस थ्री दैट इज बट जीरो, ये भी सेटिस्फाई किया। तो ये हमारे पास होगी फर्स्ट टेक्निक स्प्रेडिंग मिडिल टर्म, बहुत सारे एग्जाम्पल्स इस पर वर्कआउट करेंगे आप भी करो, कोई प्रॉब्लम आती है आप हमारे कॉमेंट सेक्शन में, जो भी हमारे कॉमेंट सेक्शन है उसमें आप डालो, कोई फीडबैक होगा, कोई भी हमारे पास जो, अगर हमें कोई भी किसी मेथड में किसी कहीं भी जगह कोई मॉडिफिकेशन की जरूरत है, तो आप प्लीज प्लीज कॉमेंट सेक्शन में लिखेंगे आप हमें, और अगर कोई भी कोई प्रॉब्लम ऐसी है, कोई क्वेश्चन ऐसा है जो आप सॉल्व नहीं कर पाते हैं, वो भी कमेंट सेक्शन में डालो आप, हम वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। जब तक कि हमारे यहाँ जो वैल्यू में जो हमारे पास नेट की क्वालिटी है, इंटरनेट की क्वालिटी है, वो जब तक अपग्रेड ना हो जाती है, तब तक हम ऐसे क्लासेस अपलोड करते रहेंगे, ठीक है। जब भी वो अपग्रेड हो जाएगी तो वी विल जस्ट स्टार्ट अवर लाइव क्लासेस। ओके